बनाते हैं बहुत ही क्विक सा मीठा। सबसे पहले मैंने आधा कप जो है वो शक्कर ले ली, इसमें दो तीन इलायची डाल के पाउडर कर लीजिए। उसके बाद एक पाउडर को हमने इसमें इस तरह के एक बर्तन में इसमें पलट लिया है। उसके बाद हमने वाइट ब्रेड लिए, मैंने 3 से 4 वाइट ब्रेड लिए है। वाइट ब्रेड इसलिए क्योंकि जो मिठाई का कलर है थोड़ा वाइट दिखेगा, इसलिए किनारे निकाल कर लीजिएगा। बस इसको भी पीस कर मैं इसमें डाल देती हूँ। बहुत ही क्विक बन जाती है और ट्रस्ट मी इतना लाजवाब टेस्ट है, अगर आपने एक बार बनाया ना तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। और ये देखिए आधी कटोरी, छोटी सी कटोरी, आधी कटोरी मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। बस तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसमें आपको बिल्कुल भी गैस नहीं जलाना, इंस्टेंट बनने वाली ये मिठाई है। और इसका टेस्ट भी ना एकदम कलाकंद होता है ना, सेम उसकी तरह आता है। और अगर आपने एक बार बनाया ना तो बस को बार बार बनाने का मन करेगा। और देखिए सारी चीज़ों को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया, कुछ मावा का टेक्सचर आ गया। अब बस इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप चाहें तो इस तरह से इसके लड्डू भी बना सकते हैं। मैं इसकी बर्फ़ी सेट कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है ग्रीस कर लिया, घी से ऑयल से, जिससे भी आपको ग्रीस करना है। और सारा मिश्रण इसमें डाल लीजिए और इसे थोड़ा दबा दबा कर टैप करना है। और थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब मैं एक स्पून की सहायता से इसे थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ। इस तरह से आधे टिफिन में मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। और थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं जिससे ईजिली सेट हो जाए और आप जब इसे रिमूव करें तो टूटे ना। बस थोड़ी देर हो गया। इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को लगा दिया ऊपर से और साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट्स और लगा देते और इस तरह से इजीली निकल जाएगा ये टिफिन किस जिसमें भी आपको सेट करना है। और बस मन पसंद आकार में इसे कट करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे मिलती लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।